मुहैया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने नक्सलियों को मुहैया कराने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 4 बुलेट प्रूफ जैकेट सहित 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया बदमाशों का गैंग पिछले कई सालों से नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता था। ये जो 7 तारीख को पूर्णिया पुलिस के द्वारा AK-47 और UB जेल की रिकवरी की गई थी, उसी प्रकरण में फर्दर पूर्णिया पुलिस के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया और अक्रॉस स्टेट्स डिफरेंट स्टेट की पुलिस से कोऑपरेशन सीख किया गया। उसी क्रम में नागालैंड से एक मुकेश गुप्ता नाम का अप्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। दीमापुर पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ में ये वहाँ पे जो पैसा ट्रांसफर होता था उसमें हवाला के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता था, तो मुकेश गुप्ता का काम था कि वहीं पे नागालैंड में उस पैसे को जो भी जिन लोगों से हथियार लिए जाते थे तो उन तक ये पैसा पहुंचाता था। दूसरा जो इस कांड का मेन मास्टरमाइंड और मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त था मुकेश सिंह, उसकी गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ लातेहार से की गई है। उसने गिरफ्तारी के बाद फर्दर उससे पूछताछ में काफी और खुलासे किए, और उसके अलावा एक त्रिपुरारी सिंह है, त्रिपुरारी सिंह भी झारखंड पुलिस के सहयोग के साथ में रांची से उसकी गिरफ्तारी की गई। तो त्रिपुरारी सिंह और मुकेश सिंह दोनों ने अपना गिरफ्तारी के बाद जो तथ्य बताए हैं उसमें इन लोग के द्वारा मुख्य रूप से बताया गया कि ये लोग जो हथियार लेकर के आते थे नागालैंड से उसको ये लोग झारखंड के जो नक्सल आउटफिट्स हैं उनको प्रोवाइड करते थे। मुख्य रूप से इन लोगों ने TPC के बारे में बताया है कि TPC को सब हथियारों की डिलीवरी करते थे। पूर्व में भी इन्होंने कंसाइनमेंट्स TPC को उपलब्ध कराए हैं और उसकी कॉस्ट ये लोग अच्छी खासी कॉस्ट देते थे। डिफरेंट वेपन्स का वेपन की उपयोगिता के अनुसार कॉस्ट लिया जाता था और हर गोली का भी जैसी गोली उपलब्ध कराते थे उसके अनुसार कॉस्ट लेते थे। तस्करों के पकड़े जाने के बाद पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर उनके गैंग के बारे में पता लगा रही है। पंजाब के CTV के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।